नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी की नई लहर से हाहाकार मच गया है। अमेरिका में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,00,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये आंकड़े जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही देश में कोरोना के मामलों पर नज़र बनाए हुए है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,01,961 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में अब कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1,23,82,431 हो गई है। वहीं अमेरिका में कोरोना से अब तक कुल 2,39,588 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि कोरोना केस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है। वहीं एक्टिव केस की संख्या भी अमेरिका में ज्यादा है। अमेरिकी प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। प्रशासन नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की हिदायत दे रहा है। अमेरिका की फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फाइजर और उसकी जर्मन पार्टनर बायो एनटेक ने बीते सोमवार को घोषणा की थी कि उनकी वैक्सीन कोरोना के इलाज में 90% कारगर है। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि अमेरिका आने वाले ठंड के मौसम और छुट्टियों के लिए तैयार नहीं है, जबकि इस समय तक कोरोना महामारी अब तक के अपने सबसे घातक चरण में जा सकती है। द गार्डियन के लेख के मुताबिक अमेरिका उस समय की ओर आगे बढ़ रहा है जब छुट्टियों में पारिवारिक समारोह के लंबे दौर चलेंगे और कोरोना प्रतिबंधों का पालन नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।